Hi दोस्तों, my name is Himanshu Pandey. आज मैं वीडियो लेके आया हूँ Factorize of quadratic polynomial. इससे पहले हमने दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं. उस वीडियो में हमने देखा था कि किसी polynomial का कैसे बेसिक मेथड यूज करते हैं फैक्टर करने में. बाकी ट्रिक तो कई सारे हैं, यहाँ ट्रिक नहीं, बेसिक मेथड बताने वाले हैं. बेसिक मेथड बताए थे, उसको रिविजन करते हुए आज हम अगला लेवल शुरू करेंगे. इस क्वेश्चन का अगला लेवल क्या होता है उस चीज़ को देखते हैं. पहले जो क्वेश्चन बताए थे उस टाइप के क्वेश्चन पर एग्जाम्पल ले लेते हैं रिविजन के तौर पे. क्वेश्चन था 5x² + 2x - √5. इस क्वेश्चन को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे और यहाँ देखेंगे फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल कैसे किया जाता है. यहाँ पिछली वीडियो में हमने बताया था कि x स्क्वायर के कोफिशियंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं कॉन्स्टेंट टर्म में. यहाँ x स्क्वायर का कोफिशियंट है √5 और कॉन्स्टेंट टर्म है आपका -3√5. जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इस 5 का इस 5 में ये आ जाएगा आपका 5. जब भी सेम रूट वाले वैल्यू को सेम रूट वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वहां पर अंडर रूट हट जाता है. ओनली वन सिर्फ वैल्यू आ जाती है 5. यहाँ पर √3 माइनस वैल्यू है तो माइनस साइन माइनस फिफ्टीन को ऐसे टू पार्ट में हम फैक्टर करेंगे. कि मल्टीप्लाई करने पर -15 आ जाए, ऐड या सेपरेट करने पर +2 आ जाए. यहाँ पर वैल्यू के सामने दिख रही है, दो वैल्यू हो जाएगा आपका 5 और 3. ज़्यादा देखने की नहीं हो सकता है, यहाँ पे छोटी वैल्यू आपकी माइनस हो जाएगी, बड़ी वैल्यू 5 हो जाएगी. यहाँ पर 5 में से 3 जाता है तो बच जाता है आपका 2 और 5 में मल्टीप्लाई करते हैं -3 करके हो जाता है -15. इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट करते हैं, ये हो जाएगा 5x² + 5x - 3x - √5. इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है. इन दोनों में कॉमन दिख रहा है हमको -√5x. यहाँ √5 तो दिख रहा है, यहाँ √5 नहीं है, √5 आएगा कैसे. यहाँ चूंकि 5 मीन्स हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि 5 का मतलब होता है √5 × √5. यहाँ जो 5 है इसका मतलब √5 × √5 है. यहाँ जो √5x हम कॉमन लेंगे इसका मतलब है दोनों में √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड √5x² / √5x डिवाइड. यहाँ भी डिवाइड इस टर्म में भी होगा √5x / √5x. जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि फैक्टर करने में जो पहले ब्रैकेट में आता है वही सेम वैल्यू सेकेंड ब्रैकेट में भी आनी चाहिए. ये वैल्यू नहीं आती है यानी आपका फैक्टर कहीं ना कहीं गलत हो रहा है. यहाँ देखेंगे इसको सॉल्व करने के बाद ही पता चलेगा हमको कि ओरिजिनल वैल्यू क्या आनी चाहिए इस ब्रैकेट में. सॉल्व कर लेते हैं पहले इसको, फिर पेंडिंग छोड़ते हैं. √5 से √5 कटेगा, x से x² कटेगा तो यह बच जाएगा x से x कटा. यहाँ पर √5 है, √5 से 5 कटेगा तो बच जाएगा आपका √5. ये वैल्यू बचेगा क्या, √5x ब्रैकेट में बच जाएगा x + √5. मीन्स हमको यहाँ से यह पता चला कि नेक्स्ट ब्रैकेट में भी मेरा x + √5 आनी चाहिए. यहाँ हम ऐसा क्या कॉमन करें कि x√5 आ जाए x + √5. यहाँ हम कॉमन लेंगे -3. ध्यान दें साइन के साथ कोई खिलवाड़ नहीं, साइन के साथ ही कॉमन लेंगे -3. जब -3 कॉमन लेंगे तो होगा क्या, इसमें होगा यह कि यह डिवाइड होगा अंदर किससे, -3 से. -3x / -3 सिर्फ एक ही नहीं, अगला अभी इसका वेट कर रहा है. अगले के पास जाएगा √5 - 3. यहाँ पर -- कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा x आपका. माइनस में माइनस डिवाइड होगा, ये हो जाएगा आपका प्लस, कट जाएगा ये, 3 से 3 कट जाएगा, बच जाएगा 5. -3 ब्रैकेट में हो जाएगा x + √5. अब देखिए दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम दिखाई दे रही है आपकी, तो इन दोनों ब्रैकेट में वैल्यू सेम है तो मैं यहाँ पे कॉमन ले सकता हूँ. दोनों कॉमन हो जाएगा आपका क्या, x + √5. यहाँ बच जाएगा √5x - √3. ये आपका फैक्टर हो जाएगा. ये चीजें तो मैं पहले भी बता चुका था.
आज देखेंगे इसी फैक्टर पर नेक्स्ट वैल्यू, नेक्स्ट लेवल क्या होता है उसका, नेक्स्ट लेवल क्या होता है। पिछली चीजें रिवीजन थी, आगे का जो लेवल है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू पुट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं 5 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 6 ब्रैकेट में 3x प्लस वाई माइनस। इस चीज की वैल्यू देखेंगे कैसे इसका फैक्टर किया जाता है, कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तरीका कुछ उससे अलग हटके दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है भले ही अलग है वही चीज, बस इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया गया, इसको बस देखने का तरीका चेंज कर दिया गया, उसको उसी फॉर्म में लाने का आइडिया क्या है। इसे मानते हैं लेट 3x प्लस वाई इक्वल टू कोई थर्ड वेरिएबल, कोई थर्ड वेरिएबल यहां मान लेते हैं ए, मान लेते हैं ए, 3x प्लस वाई इक्वल टू ए हमने मान लिया, तो आपके पॉलिनोमियल में जहां जहां 3x प्लस वाई होगा वहां वहां पर ए रखा जाएगा, मीन्स हमारा पॉलिनोमियल चेंज होगा 5a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 8। अब ये अच्छा खासा दिख रहा है, छोटा हो गया, पहले इतना बड़ा था अब छोटा हो गया, छोटा हो गया। तो लगाने का तरीका वही चीज, जो आपका वेरिएबल इसका कॉन्स्टेंट क्या है 5, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, माइनस 8 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 में, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस 40, माइनस 40। अब 40 का ऐसा फैक्टर कीजिए कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 40 आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आपकी 6 आ जाए, ऐसा कौन सा वैल्यू होगा, या कैसे फाइंड करेंगे, या फाइंड करने का तरीका सबसे आसान है, आप इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 20 2 10 2 5 5 1। ये आइडिया आपका क्या ऐसा करें कि आ जाएगा 10 40। ये बनाने का तरीका आप सर्च करेंगे, यानी कि 2 2 4 5 2 10 10 4 40 10 में से 4 जा 6 मिल गया, पेयर मिल गया आपका 4 और 10 का पेयर, 4 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 40, लेकिन ध्यान दें हमको क्या चाहिए माइनस 40, इसमें कोई एक वैल्यू ऐसी है जो माइनस 4 में होगी, अब वह वैल्यू क्या होगी वह बताएगा आपका 6, आपको प्लस 6 चाहिए, मीन्स इसमें से कौन सी वैल्यू माइनस होगी, यदि आपको प्लस 6 चाहिए इसमें से 4 वाली वैल्यू माइनस होगी, ये हो जाएगा आपका प्लस 6। यदि 10 माइनस कर दोगे यही लिखा जाएगा 4 माइनस 10, यानी माइनस 6, माइनस 6 नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए 6, ये वाला पेयर आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो हमारा जो पेयर बनेगा वो बनेगा 10 एंड माइनस 4 का, या लिखेंगे 5 ए स्क्वायर प्लस 10 ए माइनस 4 ए माइनस 8। इन दोनों देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों दिख रहा है हमको 5a कॉमन है, 5a कॉमन है कि मीन्स अंदर हम क्या कर रहे हैं 5a स्क्वायर अपॉन 5a प्लस 10a अपॉन 5a नेक्स्ट। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है माइनस 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, और भी कॉमन है 4 कॉमन कर सकते हैं, माइनस 4 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, अंदर डिवाइड कर दीजिए भैया, किससे डिवाइड कर दें तो माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, और फिर से माइनस 4 या पार माइनस 4 माइनस 8 अपार माइनस 4 माइनस से माइनस गया 4 से 4 गया माइनस माइनस डिवाइड करेंगे हो जाएगा आपका प्लस, ये काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ देखिए 5 से 5 गया ऐसे ये गया ये बचा यहाँ पे 5 से 10 गया 2 यहाँ पे ए होना चाहिए ए से ए कटा, यहाँ 5a ब्रैकेट में बच गया आपका a प्लस 2, यहाँ पर माइनस 4 कॉमन किए हम क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पे a प्लस 2, अरे ये वाला ए
और ये वाला 2, क्या बचा a प्लस 2, दोनों दिख रहा है आपको a प्लस 2, a प्लस 2 एक ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में 5 a माइनस 4, दिस इज आंसर, नो, यह आंसर नहीं है, आंसर कैसे हम ये मान सकते हैं भैया, आंसर ये कैसे मानेंगे, यहाँ तो हमने माना हुआ है, a की वैल्यू क्या है, 3x प्लस y है, मीन्स आप यह ओरिजिनल आंसर नहीं, इसको अलग यहाँ a की वैल्यू क्या रखे हम 3x प्लस y लिखेंगे putting the value of a, a की वैल्यू क्या है देखेंगे यहाँ से a की वैल्यू है 3x प्लस y प्लस 2 ये a की वैल्यू हो जाएगी ये 2 आपका यही वाला आंसर आ जाएगा नेक्स्ट ब्रैकेट में 5 तो अपने जगह पे a की वैल्यू क्या है 3x प्लस y माइनस 4 अभी इसको सॉल्व करेंगे ऐसे नहीं छोड़ेंगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x प्लस y प्लस 2 और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 जा 15x 5 में y का हो जाएगा तो हो जाएगा 5y और ये आपका माइनस 4 कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ 5 का मल्टीप्लाई 3 में ही करते हैं y में छोड़ देते हैं ऐसा नहीं करते यदि एक घर में दो बच्चे हैं तो कोई सामान आएगा दोनों बच्चों में जाएगा इसलिए 5 का मल्टीप्लाई 3 में भी होगा 5 का मल्टीप्लाई y में भी हो जाएगा यह आपका परफेक्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया इस तरह हमने देखा कि किस तरह दिए गए पॉलीनोमियल का फैक्टर किया जाता है या फिर वो नॉर्मल फॉर्म में हो या फिर किसी क्रिटिकल फॉर्म में क्रिटिकल फॉर्म में दिस और नॉर्मल फॉर्म दिख नहीं रहा हो सॉल्व करके उसको नॉर्मल फॉर्म में लाया जाए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय